चलिए जरा संभाल के देखो कहीं उसका सिर कटा हुआ ना हो। इधर ला। संभाल के, ये तो 18-19 साल का बच्चा लगता है। कपड़ों से तो सर ये कोई गरीब लगता है, कोई भिखारी होगा यहाँ पर। एक लाश इस हालत में ट्रेन में, वो भी लेडीज कंपार्टमेंट में, पर ये लाश यहाँ आई कहाँ से होगी? देखो जरा कपड़ों में कुछ आइडेंटिफिकेशन वगैरह है क्या? नहीं सर, पॉकेट में तो कुछ भी नहीं। चोट वोट लगी है? इसे तो यहाँ पे काटा गया। फ्रेडी, पता लगाओ ये ट्रेन आई कहां से है। यस सर। हेलो, इंस्पेक्टर दया, ये क्या, कहां पे? ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। या ओके। एक लड़की की लाश मिली है रेलवे ट्रैक पे। रेलवे ट्रैक पे एक्सीडेंट वगैरह है क्या? पता नहीं सर, शायद खून। देखते हैं वहां जा, पहले इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो। ये सर। ये तो 19-20 साल की बच्ची लगती है। देखने में ऐसा लगता है कि ये या तो ट्रेन में भीख मांगती होगी या फिर ये भी कुछ बेचती होगी। सर ये एक्सीडेंट का मामला तो लगता ही नहीं। हाँ सर, इसके शरीर पे इस तरीके का कोई चोट का निशान नहीं है। इसको देखो, कपड़ों में पॉकेट वॉकेट है क्या?
शायद कुछ आइडेंटिफिकेशन मिल जाए। एक बात बताओ, क्या आप में से कोई इस लड़की को जानता है? कोई रिश्तेदार है इस लड़की का? नहीं साहब, जब से आपको फोन किया है इसका कोई पहचानने वाला आया ही नहीं। अच्छा सर, एक और लावारिस लाश। सर देख के लगता नहीं है कि इस लड़की को यहाँ पे मारा गया है, शायद कहीं और मार के लाश को यहाँ पे लाके फेंक दिया है। हाँ वैसे ही जैसे उस लड़की की लाश मिली थी हमें लोकल ट्रेन के डिब्बे में। दोनों के दोनों देखने में गरीब लगते हैं। दोनों के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पेपर्स नहीं है, और दोनों को पहचानने वाला कोई रिश्तेदार भी नहीं। और सर दोनों की लाश स्टेशन पर ही मिली है। पर सर कोई इन बच्चों को मार क्यों रहा है? इन गरीब बच्चों को मार के किसी को क्या मिले? कोई तो कारण होगा दया, कोई तो कारण होगा, ढूंढ लेंगे कारण। फिलहाल इस लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो। क्या हालत कर दी है दोनों की। छी क्या हुआ सालुन के साथ? किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसी के बारे में बात कर रहा हूं सचिन, जिसने इन दोनों के साथ ये किया है। क्या इन दोनों को एक ही आदमी ने मारा? एक ही आदमी न भी हो शायद फ्रेडी, लेकिन एक ही ग्रुप जरूर लगता है, क्योंकि दोनों को एक ही तरीके से मारा गया। लेकिन इन लोगों के मरने की वजह क्या हो सकती है? कहीं किसी ने इन्हें जहर वगैरह तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं काजल, जहर वहर की बात नहीं है, या तो मामला ही कुछ और है। ये देखो लगता है इसका ऑपरेशन किया गया है। हाँ, और ऐसे ही निशान इस लड़की की कमर पे भी है। सचिन इन दोनों की किडनियां निकाल ली गई। लेकिन सालुन के साहब, अगर किसी की एक किडनी निकाल भी ली जाए तो वो दूसरी के सहारे तो जिंदा रह सकता है। हाँ सचिन, मगर इनकी तो दोनों की दोनों किडनियां गायब है। दोनों की दोनों किडनियां? हाँ। इनके बचने का तो कोई चांस ही नहीं था। पहले इनकी किडनी निकाल ली गई, उसके बाद इनकी लाश को सड़क पर फेंक दिया। लगता तो ऐसा ही। मतलब ये जानबूझ के किया है किसी ने। ये एक खून का मामला है। बिल्कुल ठीक सर। और ये जो टांके हैं, ये ज्यादा पुराने नहीं, ये अभी हाल में ही लगे। सर लेकिन ऑपरेशन करके किडनी निकाली जाए तो वो तो दूसरे पेशेंट को तुरंत लगानी पड़ती। हाँ सच, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस किडनी को ज्यादा वक्त तक संभाल करके नहीं रखा जा सकता है, और एक इंसान की किडनी दूसरे इंसान को आसानी से नहीं लग सकती है। उसके लिए तो बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। और इन दोनों पर भी काफी टेस्ट किए गए। ये देखिए सुइयों के निशान अभी तक है। मतलब पहले इन दोनों के सारे टेस्ट किए गए और मैच मिलते ही इनकी किडनी निकाली गई। किसी बीमार को बचाने के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? ये कोई रैकेट है काजल, इन मासूमों को फंसाया गया है। हाँ फ्रेडी, अब सबसे पहले हमें यह पता करना होगा ये गैर कानूनी ऑपरेशन हो किस हॉस्पिटल में रहे। आज के लिए जल्द ही
गई है। 390 का आने की चांसेस रहे। कंघी ले लो, क्लिप ले लो, कंघी, कंघी ले लो। लीजिए मैम सर। सुनो, इन्हें देखो, जानती हो इन्हें? ये इसे क्या हुआ? कहीं ये मर, ये कौन है? पहचानती हो इन्हें? नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं, एक मिनट सुनो। अरे सुनो, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पे इस आदमी को कोई नहीं पहचानता सर। वही तो बड़ी अजीब बात है, दोनों भी लाशें यहाँ पर मिली और फिर भी किसी ने नहीं देखा। सर, सर एक लड़की क्लिप्स और रबर बैंड्स बेच रही थी उस ट्रेन में। क्या हुआ, उसने पहचाना क्या इन्हें? नहीं सर, उसे कुछ बताया तो नहीं, पर मुझे लग रहा है सर कि वो इस लड़की को पहचान गई है। सर बहुत डरी हुई थी वो, बिना कुछ बोले भाग गई। किधर किधर गई वो? इस तरफ सर। अरे मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, क्या बोल अच्छी रहे नौकरी बुलाओ, तुम समझते कर क्या रहा? अरे ये जो लोग बच्चों की किडनियाँ बेच रहे हैं, कहीं ये उनमें से तो नहीं है? देखे जरा आईफोन। अरे सुनो सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो? जरा दो चार बातें हम लोगों से कर लो। लेकिन आप लोग हैं कौन? हम लोग सी आई डी से। सी आई डी? हाँ सी आई डी। क्या क्या बात क्या कर रहे थे तुम उस बच्चे के साथ? जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? सर मेरा नाम प्रभात है, मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ सर। एनजीओ? कौन सा एनजीओ? हम लोग गरीब बच्चों की सहायता करते हैं। कैसे कैसे सहायता करते हो इन बच्चों की? सर हम 18 साल और उनके ऊपर के बच्चों को नौकरी दिलाने में मदद करते हैं सर। सर यहाँ भीख मांगने से अच्छा है कि वो मेहनत करके पैसे कमाए। अगर तुम इस बच्चे की सहायता कर रहे थे तो फिर बच्चा तुमसे डर के भाग क्यों रहा? सर यहाँ पर कुछ गुंडे हैं जो इन बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं सर, और ये बच्चे उन गुंडों से बहुत डरते हैं। वो नहीं चाहते कि ये बच्चे भीख मांगने का काम छोड़ दें। चलो चलो देखते तुम कितना सच बोलते हो और कितना झूठ। है कहाँ तुम्हारा ये ऑफिस, एनजीओ का ऑफिस? क्या दया, एक दो प्लेट इडली हो जाए क्या? तो प्लेट इडली देना। जी साहब। तुम्हारे लिए एक काम है। जल्दी बोलना साहब, हवलदार पकड़ेगा मेरे को। आपने फोन किया था इसीलिए इधर आया मैं। तुम्हें मालूम है यहाँ आसपास कहाँ कहाँ पे किडनी निकाली जाती? अस्पताल में। वो हमें मालूम, गैर कानूनी तरीके से। इधर उधर मुंह मार के ढूंढ के ला सकता हूँ साहब। ठीक है, पर देखो कोई छोटी जगह भी हो सकती है, जरूरी नहीं क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल हो, समझे? चटनी डालू साहब? हाँ डालू। समझ गया साहब, जाऊँ अभी? लग जाओ काम पे। पैसा तो दो इडली का साहब। चलता हूँ साहब। आइए सर। सर ये हमारा ऑफिस है और ये हमारी मैडम राधिका जी। राधिका जी ये लोग सीआईडी से हैं। इन्हें लगा मैं स्टेशन पे कोई गलत काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया अपना ऑफिस दिखाने के लिए। गलत काम? क्या हुआ है ऑफिसर? दो खून हुए और हम उसी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आप पहचानती हैं इन्हें? हाँ, ये हीरा है और ये उषा है, लेकिन क्या हो गया इन्हें? मतलब आप इन दोनों को पहचानती हैं? हाँ, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे भीख मांगते थे,
हम गरीब बच्चों की सहायता करने का काम करते हैं, इसी सिलसिले में ये यहाँ आए थे। इन्हें हमने अच्छे खासी नौकरियाँ भी लगवा दी थी। ये दोनों बेचारे अब कभी नौकरी नहीं कर पाएंगे, इन दोनों का खून हो चुका है। क्या? लेकिन इन्हें कोई क्यों मारेगा? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? ये तो हम भी पता कर रहे हैं। इन दोनों को आपने आखिरी बार कब देखा? पिछले हफ्ते वो यहाँ आए थे, अब 15 दिसंबर को। यहाँ आए थे? आपके ऑफिस में? लेकिन ये ऑफिस में क्यों आए थे? क्योंकि प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले बच्चों का भी एक बॉस होता है जो उनसे पैसे लेता है, उसके डर से ही वो यहाँ आए थे। मगर हमने तो मिस्टर प्रभात को स्टेशन पे बच्चों से बात करते हुए देखा है। हाँ, प्रभात तो बच्चों से मिलता है, उन्हें समझाता है, उन्हें यहाँ का पता लिखवाता है ताकि हमारी सहायता की जरूरत पड़े तो वो बच्चे खुद यहाँ आ सके। इन दोनों बच्चों के बारे में और कुछ जानती हैं? ऐसी कोई बात हुई हो जो अजीब लगी हो? हाँ, पिछली बार वो जब यहाँ आए थे तब वो कह रहे थे कि उन्हें कोई दूसरा काम मिल गया है जिससे उन्हें बहुत जल्दी बहुत पैसा मिलने वाला है। कैसा काम? कौन देने वाला था इतने सारे पैसे? कुछ बताया उन्होंने? नहीं। बहुत सारे पैसे, इसका मतलब ये किडनी बेचकर पैसा कमाने की बात होगी। सर, सर उस दिन मैंने उषा की बात सुनी थी, वो कह रही थी कि वो शाम को कीड़ा पार्क जाने वाली है। कीड़ा पार्क? और कुछ सुना तुमने? किससे मिलने जाने वाली थी, किस काम से? नहीं सर, और कुछ नहीं सुन पाया मैं। कीड़ा पार्क। जल्दी में कहां से आ रही है? कुछ बोलेगी? सामान क्यों बांध रही है? तू भी जल्दी से अपना सामान बांध ले और चल यहां से। हमें जल्दी से जल्दी यहां से भागना होगा। पर हुआ क्या है, कुछ बता भी। हमारी जान खतरे में, हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। हमारी जान खतरे में? हमें कोई क्यों मारेगा? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, तू चल पहले यहां से, सामान बांध अपना। बाकी सबको रहने दे यहाँ से, चल जल्दी, सब बाद में देख लेंगे, चल यहाँ से। अब हमें छोड़ दो, माफ कर दो हमें। हमको चूना लगाते हैं? हाँ, ये कानिया ने यही जगह बताई थी ना? हाँ, यही जगह है। मैं अपने जूते पॉलिश करवा लेता हूँ। ये जूते ऐसे चमकाना, इसमें चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है? क्या खबर है? छोटा अस्पताल है, बड़ी खतरनाक जगह पे। खतरनाक मतलब? चांदेली गली मालूम है? चांदेली गली, वो? जी हाँ, वही वही। ठीक है, खतरे की परवाह तुम मत करो, वो हम लोग देख लेंगे। है कौन ये सबके पीछे? किसी को नहीं है पता। लेके जाएगा माँ? जी सर। ठीक है, तो अभी लेके चलो,
हम लोग को बहुत जल्दी है। सर प्लीज आप दोनों में से कोई एक ही चलिए। वो क्या है ना, वहां पे आप दोनों को मेरे साथ कोई देखेगा तो शक हो जाएगा उन्हें। ये सब कोई चक्कर तो नहीं है ना? आप लोगों के साथ कैसे होशियारी कर सकता हूँ। ठीक है फिर मैं जाता हूँ। मैं चलता हूँ तेरे साथ। दे फोन पे रहना। संभाल के। ये उषा किसी से मिलने यही क्यों आई होगी? शाम को तो यहाँ कोई आता जाता भी नहीं होगा। पता नहीं उषा यहाँ क्या करने आई होगी। किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा। इस वॉचमैन से पूछते हैं। नमस्ते साहब। अच्छा भाई साहब, आप लोग सीआईडी से, तुम्हें कुछ पता है कि किसी लड़की का खून हुआ या कोई लाश मिली हो? खून यहाँ पे? हाँ। मैं 2 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ साहब, आज तक कभी नहीं सुना कि यहाँ पर खून हुआ है। देखो खून यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जिसका खून हुआ वो लड़की यहाँ पे आई। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? उसकी उम्र यही कोई 19-20 की होगी। इसे देखो, पहचान तो कहीं देखा इसे? नहीं साहब, इसको मैं नहीं पहचानता हूँ साहब। सर मैं कल दूसरे गेट पे था, मैं दूसरे वॉचमैन को बुलाता हूँ साहब। ए इधर आओ। जी सर। आपने इसे कहीं देखा? जी साहब, मैंने इसे देखा है। ये वहाँ बाहर खड़ी थी और इसके साथ एक और लड़की थी। एक और लड़की? वो जो दूसरी लड़की थी वो उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। उसकी उम्र कितनी थी साहब? वो भी 20-21 साल की रही होगी। और हाँ साहब, ये दोनों किसी का इंतजार कर रहे थे। वो वहाँ बड़ा गेट है ना, वहाँ पर बहुत टाइम तक खड़े हुए थे। और उसके बाद साहब मेरी ड्यूटी खत्म हुई और मैं दरवाजा बंद करके पीछे वाले गेट से निकल गया। सर, ये जिस लड़की के बारे में बोल रहा है ना, ये वही लड़की है जो मुझे ट्रेन में दिखी थी। और जैसे मैंने उसे ये फोटोग्राफ दिखाया ना, वो डर कर भागा। फोटो दिखाने से डर के भागे? इसका मतलब अपनी सहेली को मरा हुआ देख कर वो डर गई। जरूर कुछ ना कुछ जानती होगी। सर यहीं से वो एरिया शुरू होता है, बहुत खतरनाक एरिया है सर। गाड़ी को यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए सर। वो जगह है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो सर जाली का दरवाजा। खबर पक्की है? आज तक कभी रॉन्ग खबर दिया क्या सर मैंने? लगता है वो आ गए हैं सर। बड़ा क्या सामान उठा के लेके आ रहे हैं ये गुंडे लोग? से देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गिरा सर उसमें। लगता है अपना अगला शिकार लेकर आया है। ये तो किसी लड़की का चप्पल है सर। हाँ लगता है बोरी में कोई लड़की है। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा रैकेट है जहाँ पे गरीब बच्चों को पैसों का लालच देकर फंसाया जाता है।
क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई होता तो है नहीं। सर, ये वही लड़की है सर जिसे ट्रेन में मैंने फोटोग्राफ दिखाया और ये भाग गई थी। लगता है मुसीबत में। तुम्हारी मदद करेंगे, पर बताओ बात क्या है? सब कुछ गुंडे मेरी बहन को उठा के ले गए। तुम्हारी बहन को उठा के ले गए? कौन है गुंडे, जानती हो तुमने? हाँ साहब, एक औरत हमारे घर पे आई थी, उसने उसने कहा हम अगर अपने गुर्दे बेच देंगे तो वो हमें 5,000 रुपए देंगी। पकड़ा है, लड़ना बंद करो तुम दोनों। रुको, लड़की बेहोश तो है ना? बेहोश नहीं होती तो लाते कैसे मैडम इसको? ठीक है अंदर स्ट्रेचर पे रखो। हमारे पैसे तैयार है ना? हाँ हाँ, इसे अंदर तो रखो, मेरे ड्रॉवर से इन्हें पैसे निकाल कर दे दो। गुर्दे बेचने के पैसे? अब कौन है ये औरत, तुम जानती हो? पता नहीं साहब, पर 5,000 रुपए हमारे लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मना नहीं कर पाए। क्या तुमने अपनी किडनी बेच दी क्या? नहीं मैम साहब, मैं और मेरी बहन गुर्दा बेचने के लिए गए थे, जब हमारी जांच हुई तो पता चला मेरा गुर्दा खराब है और उसका सही है। ये लो पूरे हैं। अपना काम तो हो गया, और कुछ काम होगा तो बोलना डॉक्टर। हाँ हाँ ठीक है, बता देंगे, अभी निकलो तुम सब। चलो रे। हाँ चलो चलो। जब हमने तुम्हें ट्रेन में उषा का फोटो दिखाया तब उस वक्त क्यों नहीं बताया तुमने हमें? साहब, उषा मेरी सहेली थी, उसके मरने की खबर सुन के मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहां से सीधा घर चली गई। मैंने सोचा कोई मेरी बहन का गुर्दा निकाल ले, उससे पहले मैं उसको लेकर यहाँ से दूर भाग जाऊंगी। पर हम लोग भागते उससे पहले ही वहां पर गुंडे आ गए और उसे जबरदस्ती उठा के ले गए। साहब मेरी मदद कीजिए, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारी बहन को कहाँ लेके गए कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं। अच्छा क्या पहना था उसने? उसने उसने स्कर्ट और हरे रंग की टॉप पहनी है और हाँ गुलाबी रंग की चप्पल भी। मुझे अंदर जाना होगा, तुम ये रुको समझे? ठीक है सर। मैं जरा दया को फोन करता हूँ। ये जैकेट निकालो। जैकेट निकालो निकालो। हाँ बीजी, जो जगह खबरी ने बताई थी मैं वहां पहुंच गया हूँ। क्या हॉस्पिटल मिल गया? जगह वाकई में गड़बड़ है दया, अभी अभी यहाँ पे टेम्पो में कुछ लोग नया मरीज लेकर आए हैं, बोरी में डाल के। क्या बोरी में लेके आए? ये मरीज को, ये लड़की है या आदमी है? लड़की लगती है क्योंकि बोरी में से एक चप्पल गिरा है। कौन से रंग का है चप्पल? चप्पल गुलाबी रंग की है दया, और इसमें जो पट्टी है उस पे सफेद रंग का डिजाइन बना हुआ है। अभिजीत, उस लड़की की बहन हमें मिल गई है, किसी भी तरह से उस ऑपरेशन को रोकना होगा। मैं कोशिश करता हूँ दया। ओके ओके। तुम्हारे पास चाकू है? नहीं नहीं सर। अरे मुझे मालूम है तुम लोग रखते हो, निकालो। अरे सर, ये आपने क्या कर डाला सर? चलिए डॉक्टर, हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर डॉक्टर खून। किसका खून, कौन हो तुम? ये मैं, ये हाथ कर दिया मेरा, वो दारू का बॉटली था ना वो फूट गया हाथ में, पूरा खून बह रहा है। आप मेरे को बचा लो ना डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर आप बचा लीजिए ना। ए क्या बकवास कर रहे हो, अंदर कैसे आए तुम? अंदर वो था ना वो ऐसा दरवाजा, दरवाजे से आया क्या? आपको क्या लगता है छत से कूद के आया होगा क्या? आप देखो डॉक्टर, मेरा मेरा बहुत बहुत खून बह गया डॉक्टर।
ए, हटो 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 हटो। अरे डॉक्टर लगता है इसने तो शराब पी रखी है, कपड़ों तक से बू आ रही है। ए चुप, चिल्लाना बंद कर। तो ओके ओके भाई, बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन आप मेरे को चलोगे ना डॉक्टर, प्लीज आप मेरे गॉड हो, डॉक्टर तो गॉड होते हैं, गॉड मेरे को बचाना। अरे रुको वहां नहीं, गॉड। अरे बाप रे, लड़की तो ठीक है, इसे बचाना होगा। अरे ए हटो, आप कौन है? हटो। अरे 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 ये कौन है डॉक्टर? आप मेरा ऑपरेशन करिए ना। ए आप मुझे, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे क्यों तो डॉक्टर है, दो दो नर्स, ये क्या हो रहा है मेरे को? आप मेरा ऑपरेशन करेंगे कि आप मेरा ऑपरेशन करेंगे है? ये क्या हो रहा है? ये लगता है मेरा सर चकरा रहा है। डॉक्टर आप मुझे बजा लो, मैं दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाऊ, कभी हाथ नहीं लगा। रुको, ये चढ़ाइए, आप ये चढ़ाइए, ये टूट गया, ये आप मुझे बचा लीजिए। देखिए अब मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, मैं मर जाऊंगा डॉक्टर, प्लीज मेरे। क्या करे इस शराबी का, ये तो हमारा सारा काम बिगाड़ देगा। आप मेरा ऑपरेशन करिए ना डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज प्लीज डॉक्टर, ए आप हटिए, मेरा ऑपरेशन होगा। क्या करे इस शराबी का, ये तो हमारा सारा काम बिगाड़ देगा। और अगर लड़की पर से दवाई का असर खत्म हो गया तो वो भी चिल्लाने लगेगी। आप हटिए, मेरा ऑपरेशन होगा। चलिए उठाते हैं इसे। चलो, कितना भारी है, हिल भी नहीं रहा है। हमें उन लोगों को वापस बुलाना होगा, वही भगा सकते हैं इसको। हेलो, सर यही वो जगह है सर। अभिजीत कहाँ है? अब जी सर फोन पर बात करने के बाद अंदर चले गए। सर यहाँ पे तो हॉस्पिटल जैसा कुछ दिखने आया है। सर ये तो वही गुंडे हैं, ये तो वापस आ गए। सर अभिजीत अभी भी अंदर है, इसका मतलब और भी गुंडे हैं। सर अंदर चलते हैं, खतरनाक होगा, तैयार रहना। जाओ जी। क्या बात है डॉक्टर, हमें वापस यहाँ क्यों बुलाया? अरे ये देखो ये पीएला आदमी कहाँ से अंदर आ गया है, बाहर निकालो इसे, काम ही नहीं करने दे रहा है। अरे ये है कौन और अंदर घुसा कैसे? क्या मालूम कहाँ से आया, उठाकर बाहर फेंको इसे। पकड़ उधर से, पकड़। चल हाथ पकड़ इसका उधर से, चल। अबे क्या कर रहा है, उल्टी कर देगा, मुंह उधर कर। अरे क्या उल्टी कर देगा क्या, चल। कैसा पागल आदमी हमारे गले पड़ गया है यार। पागल नहीं है ये, बहुत श्याणा है साला, अभी इसकी श्याण पट्टी उतारता हूं। कैसे तक आओगा, बहुत बेहतर नाटक। तू है कौन भैया? मैं तू कौन है बे? साला गोली मार देते हैं, इसका किस्सा खत्म कर देते हैं। ए, 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 अरे तू कहाँ जा रहा है, है? सिसियरी, सर आप भी? हाँ बेटा, तेरा बाप। मैं कहाँ हूँ? देखो घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा।
बताओ बताओ किस चीज का इलाज चल रहा था इधर? ये वो ये हकलाना बंद करो, समझे? क्या हो रहा है यहाँ पे? किडनी निकाली जा रही है ना? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दीजिए। एक के बाद एक खून किए जा रहे हो और कहती है कि कुछ नहीं किया। सर ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमको पैसा मिलता था ये सब करने का। किसने किसने दिए पैसे? सर हमारे बॉस ने। कौन है तुम्हारा बॉस? कहाँ है? बोल। सर हम उनका नाम नहीं जानते। नाम नहीं जानते? ऑपरेशन करके किडनियां निकालते हो और जिनके लिए काम करते हो उनका नाम नहीं जानते तुम? हाँ सर प्लीज मेरी बात मानिए, वो यहाँ आते हैं और हमें पैसे दे जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कमाल, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, काफी स्मार्ट आदमी है, पैसे देके काम करा रहे हैं लोगों से, इतना बड़ा रैकेट चला के रखा है। ले चलो इन सबको, जिंदगी भर जेल में सड़ते बैठेंगे। चले अंदर से आवाज। हाँ सर, तुम इन सबको ले जाओ, हम लोग देखते हैं क्या है। यस सर। हाँ कबर से आ रही है आवाज। हाँ ओके, देखते हैं। ये तो खाली है, आवाज अंदर से आ रही है। अभिजीत लगता है आवाज पीछे से आ रही है। कवर खोल के देखो। कबर्ड के पीछे छुपा हुआ रास्ता। बेचारा तो मर गया। मुझे तो जिंदा है, मुझे तो लगता है इन सब का ऑपरेशन किया गया है। किडनी निकाल ली गई होगी सर। सचिन जल्दी से एम्बुलेंस भेज दो, सबको हॉस्पिटल भेज दो। यस सर। अभिजीत जो भी ये घिनौना काम कर रहा है ना, हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। ये लड़का आवाज कर रहा था सर। देखो घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा बताओ किसने किया है, कौन है ये? एक आदमी स्टेशन पर मिला था ना, उसने ऑपरेशन कराने के लिए पैसे दिए थे तुमको। है कौन वो, जानते हो तुम उसे? नहीं, वो बोला पैसे मिलेंगे, काम दिलाएगा और यहाँ ले आया। अच्छा कैसे दिखता था वो आदमी, कैसे कपड़े पहनता था, कोई चोट का निशान या कोई भी खास बात उसके बारे में, कुछ भी? वो बड़ी सी सुनहरी घड़ी पहनता है हाथ में। सुनहरी घड़ी?
ये घड़ी तो, ये तो मैंने देखी एक आदमी के हाथ में सर। अच्छा वो है? तो फिर अभिजीत, इस सुनहरी घड़ी वाले का तो खेल खत्म। तुम मेरे साथ चलो, मैं कहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, हैं? तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दिलाऊंगा, समझे तुम? हेलो, हेलो सर, आप लोग यहाँ? हाँ, वो हम तुम्हारा हालचाल पूछने आए थे। मेरा हालचाल? हाँ। सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, पर अब होगा मिस्टर प्रभात। मतलब आपको पता चल गया कि बच्चों के खून के पीछे कौन है? अब पता नहीं चलता तो क्यों आते? टहलने के लिए तो नहीं आते हैं? तो बताइए ना सर, खूनी कौन है? अरे तुम्हें मालूम नहीं खून किसने किया है? दया, तुमने बताया नहीं इसे? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरे तुम्हें मालूम नहीं है? ये सुनहरी घड़ी तो बहुत अच्छी है, बढ़िया है, पर तुम्हारा टाइम बहुत खराब है। मिलेगा तुझे जेल में भाग के दौड़ने का। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अभिजीत, तुम ठीक हो? हाँ सर। यस सर। नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। एनजीओ में काम करता है, गरीब बच्चों की सेवा करता है, उन बेचारे गरीब बच्चों को किडनी बेचने के पैसे देता है तू, और कहता है कुछ नहीं करता। हाँ, मैं एनजीओ में दिखावे के लिए काम करता था, ताकि बच्चों से बात करते हो किसी को मुझ पर शक ना हो। और वो बेचारे सोचते रहे कि बच्चों की भलाई के लिए तुम उनकी मदद कर रहे हो। हाँ, हम उन गरीब बच्चों को एक किडनी के 5,000 रुपए देते, और जब वो लालच में आ जाते तब हम उनका ऑपरेशन करके दोनों किडनियां निकाल लेते, फिर लाश को ट्रेन के अंदर या फिर रेलवे ट्रैक में फेंक देते थे। क्यों? तुम्हें क्या लगा तुम ये सब इतनी आसानी से कर रहे थे तो किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ, इन गरीब बच्चों का आगे पीछे कोई नहीं होता, इनकी चिंता तक किसी को नहीं होती, इसीलिए हम ऐसे गरीब बच्चों को फंसाते थे। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उन्हें से बच्चे मार्गदर्शन की जरूरत है, मगर ये तुम नहीं समझो, तुम तो सड़ते बैठो जेल में फांसी का ऑर्डर आने तक। अभिजीत, क्या हुआ? इसे क्या हुआ? जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो इसे। एक मिनट, आराम से। देर आराम कर लेना, बाद में करना जो कुछ भी करना है। अरे नहीं यार, मैं मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक? सर पे इतनी चोट लगी है, तुम ठीक हो? वाह, कोई सुपरमैन हो क्या तुम? हाँ, बस ख्याल तो रखना पड़ेगा। पिछली बार जब चोट लगी थी तो याददाश्त चली गई थी,
इस बार चोट लगी है तो लगता है जो कुछ बोला है सब वापस याद आ जाएगा। तो ये सब मजाक लगता है? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि शायद सच में याद आ जाए तो। अभिजीत, ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, सच में नहीं। अब चलो आराम कर लो, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं छोड़ता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम आराम करो। ओके, श्योर, गुड नाइट। यप, तया। हाँ, थैंक्स यार, थैंक्स। दरवाजा तोड़ तो बोल दिया होता तो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता। एनीवेज, तुम आराम कर लो, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। श्योर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। किसके लिए काम करता है तू? पुलिस के लिए? सीआईडी का आदमी है तू? बोल! यहीं पे जिंदा काट दूंगा मैं तुझे। सच सच बता, सच बताएगा किसका मुखबिर है तो कुछ दिनों के लिए जीने का मौका मिल जाएगा तुझे। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं, आज नहीं तो कल मरना ही, तो आज ही मार दे मुझे। मौत सामने खड़ी है फिर भी डर नहीं लग रहा? ठीक है, मैं तो तुझे कुछ दिनों के लिए जीने का मौका देने वाला था। नहीं चाहिए मुझे तेरा मौका, थूकता हूं तेरे मौके पर। इतनी मस्ती है? इतनी मस्ती, ये ले। जीत से पंगा है, उठा के फेंक दो इसे। ये सब मैंने किए? मैंने कौन किया उसका? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।